जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। पहली बड़ी खबर है जहां पर महंगी बिजली के कारण आम उपभोक्ताओं को अब झटका लगने वाला है। खबर आ रही है प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के साथ पावर वितरण कंपनी को भी राहत पहुँचाने के मकसद से छत्तीसगढ़ राज्य बिजली नियामक आयोग में नया ट्रैफिक फंस गया है, नया टैरिफ जो है फंस गया है। एक तरफ पावर कंपनी ने 4,000 करोड़ का घाटा पूरा करने की मांग रखी है तो दूसरी तरफ उपभोक्ताओं ने जन सुनवाई में बिजली महंगी न करने की मांग रखी है। आपको बता दें, एक तरफ यहां पर तय माना जा रहा है कि बिजली का महंगा होना तय है। आयोग ने इस वक्त जो कवायद चल रही है इसमें यह देखा जा रहा है कि पावर कंपनी को अपने पुराने घाटे में से कितना घाटा पूरा करने की मंजूरी दी जाए। आयोग कंपनी को जितना घाटा पूरा करने की मंजूरी देगा उसके हिसाब से ही नया टैरिफ जो है तय होने वाला है। यह तय माना जा रहा है कि बिजली जो है अब महंगी होने ही वाली है। अब किस वर्ग को बिजली कितनी मिलेगी पर कंपनी को ज्यादा राजस्व मिलेगा, इस पर मंथन किया जा रहा है। खबर आ रही है धान खिला करके हाथियों का उत्पात जो है छत्तीसगढ़ सरकार रोकने वाली है। छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में है हाथियों का आतंक। इस वजह से वन विभाग धान खरीदकर गांवों के बाहर लगाएगा ढेर ताकि भरपेट भोजन करके गजराज वहां से ही लौट जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में सरकार ने जंगली हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए एक नया प्लान बनाया है। राज्य सरकार ने हाथियों को खिलाने के लिए धान खरीदेगी। वन विभाग प्रभावित गाँवों के बाहर धान का ढेर रखवाएगा। इससे भोजन की तलाश में निकले गजराज के दल को गाँव के बाहर ही भरपेट भोजन मिल जाएगा। वे गांवों में घुसकर जो है जान माल का नुकसान नहीं करेंगे। यह खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन महासंघ यानी कि मार्कफेड से के माध्यम से की जानी है। प्रदेश के तकरीबन 11 जिलों में हाथियों का आतंक जो है, यानी कि जो 11 जिले हैं प्रदेश के हाथी प्रभावित क्षेत्र हैं, इस वजह से यहां पर हाथियों के लिए अतिरिक्त खरीदी जो है मार्कफेड के माध्यम से किया जाएगा। एक अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल भी, जहां पर छत्तीसगढ़ में बीज के 42 नमूने जो है फेल हो चुके हैं। इधर खाद की किल्लत के बीच जो है कीमतें दोगुनी चल रही हैं। बता दें छत्तीसगढ़ के लगभग बीज के 42 नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरक के 45 नमूने भी अमानक पाए गए हैं, जिसके बाद से अब कृषि विभाग ने कंपनियों को नोटिस जारी करके बीज और उर्वरक को बेचने पर रोक लगा दी है। इधर किल्लत के बीच खाद की कीमत भी दोगुनी चल रही है। प्रदेश में खाद की किल्लत के बीच बाजार में खाद की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई है। बता दें सोसाइटी कर्मचारियों के हड़ताल के चलते खाद की किल्लतें हो रही है। इस बीच कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। बता दें कि प्रदेश के 2058 सोसाइटी कर्मी आंदोलन कर रहे हैं। वहीं अंबिकापुर में 20 लाख की बीज से भरा जो ट्रक है वो यहां पर गायब हो चुका है और अभी तक रायपुर नहीं पहुंच पाया है। एक अच्छी खबर है बेरोजगार युवाओं के लिए, खुशखबरी वाली खबर, जहां पर जल संसाधन विभाग के कई पदों पर भर्तियां होने जा रही है। वित्त विभाग से इसके लिए अनुमति मांगी गई है। नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जिनमें मैं भी आता हूं। दरअसल जल्द ही जल संसाधन विभाग के कई पदों पर भर्तियां होने जा रही है। भर्ती को लेकर के वित्त विभाग से अनुमति की डिमांड की गई है। जानकारी के अनुसार जल संसाधन विभाग के खाली पड़े पदों पर पीएससी और व्यापम के जरिए भर्तियां होने वाली है। वहीं जल्द ही भर्ती के लिए विभाग ने वित्त विभाग से अनुमति मांगी है। हरी झंडी मिलते ही इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है आप तक पहुंच पाए तो इसके लिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हम आप तक जो जानकारियां हैं सटीक समय पर पहुंचा सकें। मेडिकल कॉलेज के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं ने आसमान में गुब्बारे छोड़े। चंद्रलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के लिए सबने कहा अब डॉक्टरों की कमी नहीं होगी। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद मुख्यमंत्री लिखे हुए गुब्बारे आसमान में छोड़े। कांग्रेस ने इसे आयोजन की तरह सभी ब्लॉकों में एक साथ सभी जगहों पर किया। कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि चंद्रलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण से सबको राहत मिलेगी। वही आकाश में मुख्यमंत्री धन्यवाद के गुब्बारे जो है छोड़े गए हैं। पूरे जिले के प्रत्येक मुख्यालय यानी कि प्रत्येक ब्लॉक से यह जो गुब्बारे हैं छोड़े गए हैं और इन पर जो है चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण को लेकर के धन्यवाद स्वरूप यहां पर मुख्यमंत्री के महोदय को यहां पर दिया गया है।
और अब बात करते हैं डेंगू के बढ़ते कहर के बारे में। रायपुर में डेंगू का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। इन 6 इलाकों में डेंगू के 40 से भी ज्यादा नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल राजधानी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शहर के 6 और मोहल्लों में डेंगू के कुल मिलाकर 40 नए मरीज मिले हैं। मरीजों की पुष्टि के बाद से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। नगर निगम अमला जोन स्तर एंटी लार्वा के छिड़काव को करना शुरू कर दिया है। इधर जानकारी के अनुसार शहर के रामनगर इलाके में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से अब निगम सख्त हुआ है। इलाके में एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे जो मच्छरों के लार्वा है उनको समाप्त किया जा सके। वही 40 नए मरीजों की पुष्टि होने के बाद से अब कुल मरीजों की संख्या डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। जून के बाद से जुलाई में माह में सबसे ज्यादा मरीज इसी माह में मिल चुके हैं। एक और अच्छी खबर है, जो शिक्षक भर्ती में अपना पेपर दिए थे उनके लिए रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात है। शिक्षकों की नियुक्ति पर आदेश जारी है। दरअसल राज्य शासन द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों की 14,580 पदों पर सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति आदेश जारी किए जाने की सहमति प्रदान कर दी गई है। यह सहमति वित्त विभाग से प्राप्त सहमति के आधार पर दी गई है। मंत्रालय से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय का आदेश जारी किया गया है। वह स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त लोक शिक्षा संचालनालय को यहां पर जारी आदेश में कहा गया है कि नियुक्ति आदेश व्यक्तिगत जारी किए जाएं। नियुक्ति आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जाए कि प्रोबेशन अवधि तथा प्रोबेशन अवधि में देय वेतन वित्त विभाग के वित्त निर्देश क्रमांक 21/2020 के अनुसार होगा। बता दें कि 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा जो है जुलाई एवं अगस्त 2019 में आयोजित की गई थी। इसमें व्याख्याता के पद पर 2,683 पदों पर भर्ती आदेश गत 2 जुलाई 2021 को जारी कर दिए गए हैं। 2000 सहकारी समितियों के 12,000 कर्मचारी जो है हड़ताल पर हैं। बता दें रायपुर, धमतरी, गरियाबंद, राजनांदगांव, भिलाई, जगदलपुर, कवर्धा हड़ताल के चलते किसानों को खाद के लिए मोहताज हो गए हैं। हालात यह है कि किसानों को बाजार से कई गुना ज्यादा कीमतों पर खाद खरीदना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर प्रदेश की लगभग 2,058 समितियों के लगभग 12,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। बताया गया है कि अंबिकापुर जिले को छोड़कर के पूरे प्रदेश में हड़ताल से सोसाइटियों में बन की नौबतें आ गई हैं। वही प्रदेश में किसानों के खेतों में रोपाई और बियासी का काम जोरों पर चल रहा है। शुक्रवार को लगातार 5वें दिन सोसाइटियों के बंद होने से भी खाद की कमी के चलते किसान जूझ रहे थे, जो कि अभी तक सुलझ नहीं पाया है। ऐसे में 31 जुलाई तक किसानों को बीमा कराने की अंतिम तारीख रखी गई थी, जो भी बीत चुकी है। ऐसे में हड़ताल के कारण बीमा कार्य भी प्रभावित हो गया है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सल एनकाउंटर हुए हैं। बड़ी संख्या में माओवादियों की मौजूदगी पर सूचना मिलने पर जवान पहुंचे हुए थे। अचानक जो है यहां पर फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक नक्सली जो है मौके पर ही ढेर हो गया। नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के 5वें दिन तेलंगाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रविवार की सुबह छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सीमा पर सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर किया है। इधर घटनास्थल से जवानों ने नक्सली का शव हथियार सहित जो है बरामद किया है। मरने वाले नक्सली की अभी नाक्त नहीं हो पाई है। बताया गया है कि जवान बड़े नक्सलियों की मौजूदगी सूचना पाकर मौके पर गए थे। इधर इस दौरान जो है अचानक फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक नक्सली मारा गया है। अभी इलाके में फिलहाल सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। खैर दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना आप सभी से। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। साथ ही साथ आज आपके छोटे भाई का जन्मदिन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके शुभकामनाएं आप अपना आशीर्वाद जो है जरूर से प्रदान कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से हमारा और आपका सहयोग बनता रहे। हम आपके लिए डेली इसी प्रकार के कंटेंट लाते रहे, और कंटेंट को रोजाना देखने के लिए यानी कि समाचार को रोजाना पाते रहने के लिए छत्तीसगढ़ समाचार को नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबाकर सब्सक्राइब करना जरूरी है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको इनेबल कर लेना है। इससे फायदा आपको ये होगा कि हम जो भी प्रतिदिन वीडियो लेकर के आते हैं छत्तीसगढ़ समाचार की, वो बिना किसी रुकावट के रोजाना हम आप तक पहुँचा सकते हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में जीएसटी की बम्पर वसूली की गई है। छत्तीसगढ़ में 2,432 करोड़ इस बार जीएसटी कलेक्शन रहा। पिछले साल जुलाई के मुकाबले 33% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन इस बार के किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ ने जुलाई में 2,432 करोड़ रुपए का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी इकट्ठा किया है। यह 2020 की जुलाई में संग्रहित हुई जीएसटी से 33% अधिक है। राज्य में पिछले साल 1,832 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रहण हुआ था। यह वृद्धि
ही राष्ट्रीय स्तर पर कुल संग्रहण में हुई 32% से भी ज्यादा है। वही केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में 16, कर्नाटक में 12, उत्तर प्रदेश में 18, बिहार में 21, पंजाब में 29, उत्तराखंड में 12% जीएसटी कलेक्शन रहा, तो वही यहाँ पर यानी कि वृद्धि हुई है। और जबकि छत्तीसगढ़ में 33% की जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत भी है। 387 दिन पहले हालात अब छत्तीसगढ़ के हो गए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना के महज 102 नए मामले सामने आए हैं। पिछले साल जुलाई की शुरुआत में भी रोजाना इतने मामले सामने आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संक्रमण की दर पिछले 13 महीनों में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है। वहीं प्रदेश में केवल 102 नए मरीज बीते 24 घंटे के दौरान सामने आए हैं। एक दिन में मिले मरीजों की इससे कम संख्या 6 जुलाई 2020 को पाई गई थी। अब बता दें, संक्रमण दर जो है घट करके 0.2% पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से देर रात जारी रिपोर्ट के मुताबिक दिन भर में 38,644 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 102 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 203 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। इस हिसाब से प्रदेश में दैनिक संक्रमण दर अब 0.2% पर रह गई है। और अब बात करते हैं बिलासपुर के कॉलोनियों में भरे हुए पानी भरने के मामले को लेकर के। महापौर का कहना है कि अगर जल्द ही यह व्यवस्था नहीं सुधारी गई तो इन बिल्डर्स का जो लाइसेंस है रद्द कर दिया जाएगा। कई लोग जो है इस वजह से घरों में कैद हैं, आवाजाही भी बंद हो गई है। इससे कुछ दिन पहले भी हमने आपको इस संबंध में सूचना यानी कि वीडियो जो है प्रकाशित किया हुआ था। दरअसल बिलासपुर के मंगला स्थित सौरमंगला कॉलोनी में बारिश के बाद बने हालातों पर नगर निगम अब एक्शन के मूड में है। यहाँ 3 से 4 दिन से हो रही बारिश और नाली सड़कों की पानी की वजह से निकासी नहीं होने के कारण पूरी कॉलोनी में पानी भर गया था, जिसके चलते कई लोग अपने अपने घरों में अब भी कैद हैं। जिसको लेकर के शनिवार को भी हमारी टीम ने प्रवक्ता से इस खबर को प्रकाशित किया था। बता दें, पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं बनती है तो बिल्डरों के लाइसेंस अब जाकर निरस्त किए जाएंगे। इस मामले में 2 बिल्डर्स की आपसी लड़ाई के चलते ये हालात बनने की बात जो है बीते दिन सामने आई थी। सीएजी की रिपोर्ट पर आरोपों के तीर जो है यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। भाजपा ने कहा सरकार के कर्जों से दिवालिया हो जाएगा प्रदेश, जबकि कांग्रेस का कहना है कि किसानों के लिए कर्ज लिया है, घोटाला तो नहीं किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय प्रबंधन और पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि इस रिपोर्ट से साफ है कि सरकार कर्ज लेकर प्रदेश को दिवालिया कर देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि उनकी सरकार ने किसानों के लिए कर्ज लिया है। वही कैग की रिपोर्ट में कोई घोटाला नहीं ढूंढ पाए भाजपाई अब कर्ज पर भी आरोप लगा रहे हैं। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के अमित चिमनानी ने यहां पर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में प्रेस माध्यम से चर्चा के माध्यम से यह कहा कि किसी राज्य के लिए कर्ज लेने की एक सीमा होती है, अगर ऐसा न होता तो शायद हर प्रदेश दिवालिया हो जाए। और अब अंतिम खबर की ओर बढ़ें, जहां पर कांग्रेस को बचाने के लिए त्रिपुरा जो है टीएस सिंहदेव जाने वाले हैं। कांग्रेस नेताओं को तोड़ने की कोशिश में भाजपा और तृणमूल सामने आ गई है। हाईकमान ने हालात संभालने के लिए टीएस सिंहदेव और अविनाश पांडेय को अगरतला रवाना किया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव जो है पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। त्रिपुरा में कांग्रेस पर दल बदल का संकट गहरा रहा है। ऐसे में AICC ने यहाँ पर जो है सिंहदेव को इसके समाधान के लिए वहां जाने को कहा है। सिंहदेव त्रिपुरा कांग्रेस के प्रभारी हैं। इसके अलावा 2023 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव होना है। दशकों तक वाम राजनीति के गढ़ रहे त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। विधानसभा में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का आधार है। अभी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा में सक्रिय हुई है। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो के नीचे लाइक बटन है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है इस लाल कलर के बटन को दबाकर, वही घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकें।